डिनर पार्टी में उधम मचा रहे लोगों को टोकना पड़ा भारी। रंजीत पाले बैठे छह लोगों ने बुजुर्ग को अधमरा होने तक पीटा। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव में शुक्रवार की सुबह घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग की छह लोगों ने रंजिशन लात घूसों और लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट हिम्मतपुर चौकी में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चन्नीराम जाटव निवासी हिम्मतपुर आज अपने घर के बाहर बैठा था, तभी लक्ष्मण हरियाणा रविंद्र आदि ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। चन्नीराम जाटव के पुत्र विजय जाटव ने बताया कि पिछले दिनों गांव में एक डिनर पार्टी के दौरान आरोपी पक्ष के लोग पार्टी में उधम मचा कर कुर्सियाँ तोड़ रहे थे। उसके पिता ने इन लोगों को ऐसे करने से मना किया, तभी से ये लोग रंजिश पाल बैठे। आज मौका देकर इन लोगों ने उसके पिता पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विजय ने बताया कि घटना की रिपोर्ट चौकी में दर्ज कराई है और उन्होंने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाम है आपका? विजय जाटव। कहाँ के रहने वाले? हिम्मतपुर। कहाँ पड़ता है? हिम्मतपुर, हिम्मतपुर चौकी है। थाना? थाना पिछोर। क्या घटना हो गई? सर मारपीट कर दी पिताजी जी। क्या नाम है पिताजी? चन्नी राम। किन लोगों ने मारपीट कर दी? लक्ष्मण हरिज्ञान कुल्टी पल्ला रविंद्र। तुम्हारे पड़ोसी है? हाँ, गांव में थोड़ी दूर रहती हैं सर। किस बात को लेकर मारपीट कर दी? कुछ नहीं सर, ये खाना था, कोई फंक्शन था खाना का, तो उसमें बिन्ने कुर्सी मुर्सी टोरी, उससे मन की हमारी रिश्तेदारी थी, तो वहाँ से भी चांट बांध गए, हमने केवल बरकाए किया। अच्छा। हाँ, फिर? बस फिर जिनने हमसे बोला नहीं, हम तुम्हारी दुश्मनी मान गए, हमारे पिताजी का कोई पता नहीं, हम बिल्कुल बेफिक्र। काय की मिर्ची टोड़ी थी खेत से? कुड़सी आदमी ने बताई। अरे मिर्ची कहाँ से टोड़ी थी? मिर्ची नहीं, टूट गई थी, टोरी है मैंने, हमने बरका पर कोई करी। अच्छा। हमने बरका पर कोई करी तो बिना तो छोड़े वो हमें ऊपर चांद बांध गए। कितने लोगों की पिटाई करी है? पिताजी अकेले की।